जरा सोचिए, पिछले 2 सालों में क्या हम इंडियंस सच में अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच खो चुके हैं? मैं विक्रम बजाज आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं खबरों के पीछे का रिसर्च और सच। लेकिन इस बार सोचने से पहले जरा सुनिए, मोदी एक कायर और विकृत इंसान है, अरविंद केजरीवाल। मोदी की सरकार हरामखोर है, आपके नेता अमनतुल्ला खान। और ये सुनिए, मोदी की सरकार नपुंसक है, कपिल मिश्रा। मोदी ने चाय नहीं खून बेचा है, ये किसने कहा? लालू प्रसाद यादव ने। मोदी बिच्छू और सांप हैं, मणिशंकर अय्यर ने कहा। मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये कहा इमरान मसूद ने। रावण, गंदी नाली का कीड़ा, लहु पुरुष, पानी पुरुष, असत्य का सौदागर, घांची, मंकी, चूहा, बेकार पति, बदतमीज, नालायक, हिटलर, वायरस, भस्मासुर, पागल कुत्ता और ना जाने क्या क्या। मतलब कि अपूर्व जनमत से जनता द्वारा चुने गए देश के सर्वोच्च जन सेवक पर आप घटिया से घटिया शब्दों में वाणी या लिखित रूप से प्रहार कर सकते हैं, वो भी पब्लिकली, और फिर भी आप कहते हैं कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है। जनाब, इनको याद दिला दें कि असल में हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच छिन गई थी इमरजेंसी के टाइम पर, जब रातों रात संविधान का आर्टिकल 19 यानी के हमारे और प्रेस के सारे मूलभूत अधिकार खारिज किए गए थे। अखबारों को विपक्ष के नेताओं की स्पीच छापने से रोका गया, न्यूज़पेपर एडिशंस प्री सेंसर्ड और डिले होते रहे, यहाँ तक कि अखबारों को ब्लैंक कॉलम्स छापने पड़े। युवा कांग्रेस को समर्थन न देने पर किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिए गए। कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन का विरोध करने पर मुजफ्फरनगर में 43 लोगों की जाने गई। इमरजेंसी का विरोध कर रहे 7,000 राइटर्स की गिरफ्तारी की गई। खुद की सत्ता बचाए रखने के लिए देश भर में चुनावों को खारिज कर दिया गया। तब आप इंदिरा गांधी के खिलाफ ना तो फ्री कुछ बोल सकते थे ना लिख सकते थे, यही नहीं आप ना तो फ्री सोच सकते थे। ये होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को खतरा। वैसे तो आज भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ बोलने या लिखने वालों की गिरफ्तारी की खबरें हम आए दिन पेपर में पढ़ते ही रहते हैं। जैसे कि सोनिया गांधी की ऑब्जेक्शनेबल तस्वीर पोस्ट करने वाले बंदे को अरेस्ट कर लिया गया, ममता बनर्जी का कार्टून बनाने वाले प्रोफेसर को भी अरेस्ट कर लिया गया, राहुल गांधी के खिलाफ बोलने पर बीजेपी के नेता पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया गया, नेहरू जी की आलोचना करने वाले लेखक को भी काम से बेदखल कर दिया गया। और दूसरी तरफ खलनायक, मेंढक, गंगू तेली, मानव भक्षी, औरंगजेब, जंगली कुत्तों का बड़ा भाई, बकरी, दलाल, जानवर, ऐसे शब्दों से आप बेधड़क देश के प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं तो और क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अगर आपने ये शब्द नेहरू जी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या फिर दीदी के लिए बोले होते, तब आपका क्या होता, ये जरा सोचिए।